आज हम सब बहनों का, माओ का, बेटियों का सर फखर से बुलंद है इन बच्चों की वजह से। तो क्रेडिट गोज टू मेरिट। मैं भी मेरिट की बात करूंगी कि सब मेरिट को प्रमोट करें, क्योंकि मेरिट ही वो एक कामयाबी की कुंजी है जो हर जगह आपके मुल्क को और आपके खानदान को कामयाबी से फतह से। जी आप बताइएगा, आज आपके घर में जश्न का समय है, लोग आपके घर में खरीद करने आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या काम देंगे? जी बिल्कुल, इन लोगों की वजह से ही है सारा कुछ। लोगों से घरों में मैं ये बताना चाहूँ कि यहाँ पे मेरी बड़ी बहन भी दूर से चल के आई है, मेरे लिए कुछ लेके आई है, मुझे रकम करने करने के लिए आई है। तो इनके आने से जो मेरे अंदर के जज्बात हैं, जो मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है और बढ़ गया, और इंशाल्लाह मैं इन बहनों की, ये मेरी माँ जैसी हैं, बड़ी बहन जैसी हैं, तो इनका बहुत शुक्रिया कि ये यहाँ पे इतनी दूर से चल के आई हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका, और इंशाल्लाह खुशी दूंगा कि ऐसे ही इनको खुशियाँ देता है। अच्छा, आपने इंडिया के खिलाफ जैसे मैच शुरू हुआ तो उस वक्त आपके अंदर क्या जज्बात है, और जिस जज्बात के साथ आप मैदान में उतरे और आपको मान लिया? जी बिल्कुल, जिस तरह पूरी दुनिया में माना जाता है क्रिकेट की दुनिया में कि ये बड़ा एक मैच था अफगान पाकिस्तान और इंडिया का, तो बड़ा एक्साइटेड था कि किसी भी तरह टास हो और मैं अंदर जाके अपनी ट्रॉफी दिखाऊं और अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो पूरी टीम की परफॉर्मेंस है, उसको किसी भी तरह से हम जीत जाएँ और अपनी फॉर्म और अपनी मुल्क के लिए एक अच्छा तोहफा दें इससे पहले और चैम्पियन बन के जाए वापस। अच्छा, जो जूनियर हैं जहाँ पर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उनके हवाले से क्या पैगाम देगी? क्योंकि इससे पहले ये बात ज़्यादा जाहिर होती थी कि जिसकी सिफारिश है या ग्रोथ है उसी को मिलता है, और आज आप मेरिट पर उतरे हैं, इस लिहाज से अपने जूनियर को क्या पैगाम दें? जी बिल्कुल, एक टाइम था कि मैं भी जूनियर था, लोग मेरी भी बातें करते थे, यहाँ पर मेरा एक चर्चा से नहीं है अक्सर महमूद जैन पे है, वो भी बड़ा अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, इसके अलावा जो हमारे पास और प्लेयर हैं। तो अब देखें, टैलेंट जो भी है वो छुपता नहीं है, आप चाहे मेरिट देखें या ना देखें, टैलेंट हमेशा टैलेंट आगे ही आता है। तो इंशाल्लाह मेहनत करते हैं, जितने भी यंगस्टर हैं मेरी उनको यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करें और अपनी कौम और मुल्क के लिए आप मेहनत करें। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि गुरूर और तकब्बुर जो है, अल्लाह ताला उसको नापसंद फरमाते हैं, और जो लोगों ने बहुत बड़े बड़े जुमले अदा किए और बड़ी बड़ी बातें की और अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, मगर मैं फिर कहना चाहूँगी बाप बाप होता है और बेटा बेटा।